आज मेरी बताई हुई सिर्फ आसान सी ये कुछ एक्सरसाइजेस फॉलो कर लीजिए। आपका कितना भी पुराना सर्वाइकल है या आपको सर्वाइकल अटैक भी आ चुका है तो वो प्रॉब्लम भी आपकी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपके घर में पिलो है तो उसको लेना छोड़ दीजिए। जब आप पिलो लेना छोड़ देंगे या स्टार्टिंग से अपनी हैबिट बना लेंगे तो आपको फ्यूचर में कभी भी सर्वाइकल नहीं होगा। इस एक्सरसाइज को प्रोसेस करने के लिए आपको पिलो रखना है, उसके ऊपर आपने नेक को इस तरीके से प्लेस करना है, बिल्कुल स्ट्रेट आपने लेट जाना है। ठीक है, जब हम पिलो लेकर लेटते हैं तो हमारा नेक इस पोजीशन में रहता है जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे सर्वाइकल शुरू हो जाता है। अब आपने क्या करना है, अपने नेक अपना जो ये चिन है इस तरीके से टक करना है नीचे डाउन साइड, और अपने नेक से अपने हेड से पिलो पर प्रेशर देना है, दबाना है पिलो को नीचे की तरफ, ढकेलना है। ठीक है, 10 सेकेंड्स तक आपने पिलो को प्रेस करना है लाइक दिस। रिलैक्स होने के बाद कम से कम आपको इस एक्सरसाइज को 10 से 15 टाइम्स रिपीट करना है। ठीक है, अब बारी आती है सेकेंड एक्सरसाइज की। सेकेंड एक्सरसाइज में हमें अपने इस एरिया पर प्रेशर देना है। जब सर्वाइकल होता है तो हमारा जो ये एरिया होता है बहुत ज्यादा पेन करता है ना, हम नेक मूवमेंट भी नहीं कर पाते, स्पेशली जिन लोगों का बहुत ज्यादा सिटिंग जॉब है, तो उस टाइम पे आप जरूर इन एक्सरसाइज को फॉलो करिए, बेहद इफेक्टिव है। ठीक है, तो अब हमें इसको, हमें जो मसल्स हैं यहाँ की मसल्स को हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, उनको थोड़ा सा हमें स्ट्रेंथ देनी है ताकि वो स्ट्रांग बने और वहां का पेन चला जाए, जिसके लिए अब आपको लेट जाना है पिलो पर, बिल्कुल सीधा आप इस तरीके से लेट जाइए। लेटने के बाद अब आपने क्या करना है, अपने हैंड्स को अपने लेग्स के साइड में प्लेस करना है और अपने शोल्डर को धीरे धीरे ऊपर ले जाते हुए इस तरीके से अपने दोनों शोल्डर से अपने जमीन को यानी अपने बेड को, गद्दे को प्रेस करना है। ठीक है, 10 सेकेंड्स होल्ड करना है, धीरे धीरे आपने अपने शोल्डर को डाउन लेकर आना है। इस एक्सरसाइज को एटलीस्ट आपने 10 से 15 टाइम्स रिपीट करना है। मेक श्योर कि आप दोनों एक्सरसाइज को मिक्स ना कर दें, दोनों डिफरेंट एक्सरसाइज हैं। आपने पहले एक एक्सरसाइज को टाइम देना है, देन फिर आपने सेकेंड एक्सरसाइज को टाइम देना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, अपने हेड को प्रेशर देना है। किस तरीके से, इस ऐसे आपने अपनी हथेली को अपने हेड के यहाँ पे प्लेस करना है और प्रेशर देना है, जितना हो सकता है उतना आपने प्रेशर देना है। जब आप इस तरीके से अपनी हथेली से अपने हेड को प्रेशर देते हैं तो उससे आपकी पूरी मसल स्ट्रेच हो जाती है और जितनी भी वहां पे इन्फ्लेमेशन आ गई है, सूजन आ रखी है, वो दूर हो जाती है और आपका दर्द बिल्कुल ठीक होने लगता है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हमने दोनों साइड प्रेशर देना है। 10 सेकेंड्स होल्ड, प्रेशर प्रॉपर, एटलीस्ट आपने 3-4 टाइम्स रिपीट करना है, वन साइड अदर साइड। अब हम करेंगे फ्रंट से। ठीक है, फ्रंट से भी आपने सेम इस तरीके से प्रेशर देना है हथेली से। अब बैक साइड से। इन सारी एक्सरसाइज को आपको डेली फॉलो करना है तो डेफिनेटली विद इन अ मंथ आपको आपके सर्वाइकल में ह्यूज डिफरेंस फील होगा, आपका दर्द बिल्कुल चला जाएगा और आप बहुत बेटर फील करेंगे। इसके साथ साथ सोने से पहले अगर हो सके तो प्लीज लहसुन की 2 कलियां आप ले लेना और उसको सरसों के तेल में थोड़ा सा गर्म कर लेना, मतलब थोड़ा सा उसको साड़ लेना कहते हैं, तो उसको वो कर लेना और उस तेल से आपने क्या करना है, अपने इस एरिया में मसाज करनी है। कैसे करनी है वो भी देख लीजिए। तो इस तरीके से आपने मसाज देना है, पहले डाउन साइड और फिर इस तरीके से साइड टू साइड आपने मसाज देना है। तो आई होप कि आपको मेरा ये बेहतरीन सा वीडियो बेहद पसंद आया होगा और प्लीज इस वीडियो को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बहुत सारे लोगों से शेयर करें, बिकॉज सर्वाइकल की प्रॉब्लम आजकल के टाइम में मैक्सिमम लोगों को फेस करनी पड़ रही है, तो आपका एक शेयर करना ना लोगों की जिंदगी की सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। तो प्लीज हेल्प करिए दूसरों की इस वीडियो को शेयर करके। ऐसी हमेशा आपके लिए कुछ बेहतर लाती रहूंगी, आपकी जिंदगी को खुशनुमा बनाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।